समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के संयोजक शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव 2019 में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शिवपाल यादव ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और प्रवक्ताओं की टीम घोषित कर दी है। शिवपाल ने 30 जिलों महानगरों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले दिल्ली में सामाजिक न्याय यात्रा की थी और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुलायम सिंह यादव अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जानकारी के मुताबिक नेताजी ने यह साफ कर दिया है कि पुत्र प्रेम भाई के प्रेम से ऊपर है। इस पूरे प्रकरण के बाद शिवपाल सिंह का मोह नेताजी को लेकर जैसे टूट सा गया है। फिलहाल आलम यह है कि शिवपाल अपने फैसले से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं नेताजी चाहते हैं कि शिवपाल वापस समाजवादी पार्टी में आ जाए, लेकिन अब लड़ाई परिवार से ऊपर उठकर सियासत तक पहुंच चुकी है और अखिलेश से लेकर शिवपाल तक सब ने इसे नाक की लड़ाई मान ली है। आपको बता दें कि शिवपाल के अलग होने के बाद सपा में खौफ का माहौल है और नेताजी के कई चहेते खुलकर शिवपाल सिंह का साथ दे रहे हैं। गौरतलब है कि यूपी की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे लल्लन राय ने समाजवादी पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी सेक्युलर मोर्चा का गठन करने वाले शिवपाल यादव अब 2019 लोकसभा चुनाव में एक बेहतर विकल्प बनकर उभरने की तैयारी में जुट गए। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।